जब डिस्ट्रिक्ट जेल मिर्जापुर से मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था सेंट्रल जेल नैनी के लिए, तो सैकड़ों पुलिस थी प्लेटफार्म के ऊपर लेकर गए थे मुझे लोग, तो मेरी माँ वगैरह में मिलने के लिए सब आए थे। लेकिन मेरी माँ ने उस समय भी कहा था कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो गया माफ़ी मांग के मत आना। पुलिस के लोग रोने लगे। और आपका, आपकी माँ का निधन हुआ? वो तो इमरजेंसी जब एक साल समाप्त होने लगी तो हमारे एक चचेरे भाई हैं, गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई एक साल हो गया अभी, आप तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, एक साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया क्रियाकर्म के लिए। आपको बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया, मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाकर्म के लिए भी आपको नहीं भेजा? नहीं, वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। तो फिर किसने किया था? अपने गिरेबान पर झांक कर नहीं देखते हैं लोग। मैं जो भाई वगैरह थे परिवार में उन लोगों ने किया। आप, मैं नहीं पहुंच पाया, आप मिल नहीं सके। 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद, माता आनंद भाई हॉस्पिटल वाराणसी में, फिर भी नहीं दिया। Z News।